सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? और एक छोटा सा अपडेट देने के लिए आपको कॉल किया है कि एसर टेलीकॉम और हमारी टीम एक अपडेट पे काम कर रही है, और आज नहीं काफी दिनों से काम कर रही है, बहुत दिन से काम कर रही है। एक झलक आपको दिखाता हूँ और अपडेट दूंगा मैं। हो सकता है ये आपको मलिक सर के थ्रू मिल जाए, हो सकता है ये आपको हम ही दे दें, कुछ भी हो सकता है, या कोई दुनिया भी दे दे। पर मैं आपको बता दूं, अगर कोई ये लिख कर डालेगा वर्ल्ड फर्स्ट फलाना दिखाना, तो ये समझो कि हम बहुत पहले इस पे काम कर चुके हैं। बट ये तो आपको हाँ दिखा रहे हैं। तो ये दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है। एक झलक दिखाता हूँ, फिर एक बार बताऊंगा कि क्या है। तो झलक देखिए, यहाँ पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ये टूल है, ये एक प्रोग्रामर है, ठीक है, और ये हमारा एक फोन है। और यहाँ पर ये देखिए, आप एक देख रहे होंगे RFFE स्कैनर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मिलन से इसको बंद करो, यहाँ पर नोटिस करना, हम इससे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो PFO है या किसी भी तरह के बैंड है वो काम कर रहे हैं कि जहाँ पे भी RFFE डाटा की लाइन जा रहा है नेटवर्क सेक्शन में, उस सेक्शन को, उस IC को चेक कर सकते हैं, बैंड को काम चेक कर सकते हैं। ये बैंड को चेक करने के लिए RFFE होते हैं। हाई बैंड काम कर रहा है, हाई बैंड लो बैंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर खुल गया है ये, और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी कनेक्शन लगा हुआ है, क्या कनेक्शन है, कैसे काम करता है, सारी चीज बताएंगे। और आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर है ना कोडिंग होती है, तो ये स्कैन पे है, यहाँ पे कोडिंग आएगी, सो आप देखिएगा। तो ये एक बहुत अपग्रेड है, ये देखो, इसका मतलब ये होता है कि हमारा IC काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का ये मतलब है कि आप बिना किसी हैंडसेट में आप अपनी बैंड IC को निकाले बिना चेक कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं खाली तीन जम्पर से ये चेक कर सकते हैं कि आपका किस कॉल कम। अभी ये देखो, ये जो तीन हमने CPU में इसको किया है, हमने एक्साइनोक्स में भी किया, क्वालकॉम में भी किया, मीडियाटेक में, जिसमें हमें सक्सेस पूरा, क्वालकॉम में तो फुल सक्सेस, पूरा सक्सेस मिल गया। हाँ, और इवन हमने क्वालकॉम में अभी हमें एक CPU पर छूटा है, और मीडियाटेक में भी हमें सक्सेस मिली है, और जाइनोक्स पे काम चल रहा है अभी, तो क्योंकि प्रॉपर फोनों के साथ ही हम काम करेंगे। बट ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक रिन्यूअल, जिसको बोलते ना इवोल्यूशन है, इसको टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन बोल सकते हैं कि आप ICO को बिना निकाले भी चेक कर सकते हो कि आपका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह के टूल, एक प्रोग्रामर से ये चेक कर सकते हो कि आपके IC का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एक अपडेट था, पहले बता दिया है लाइव आकर हम लोग ने, कि अगर कोई आता है लाइव या कोई बता भी रहा है कि ये भाई मैंने लाया है, या तो मैं बता दूं, ये ना इंडिया के किसी भी बंदे ने नहीं लाया है। बिल्कुल, ये आई डॉक्टर की टीम ने, आई डॉक्टर, बिल्कुल दिखाओ, जैसे दिखाते हैं, ये देखिए। तो यहाँ हम दिखाएंगे, ये देखो, ये है मेन इनके टीम और आई डॉक्टर की टीम ने, तो ये हाँ सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है। बाकी ये जो हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर बच्चों की खिलौने वगैरह तैयार होता है, जैसे रिमोट कंट्रोल का, प्रोग्रामर है प्रोजेक्ट वोजेक्ट बनाने के लिए, अब इसको जिस हिसाब से प्रोग्राम करेंगे उसी हिसाब से ये तैयार होगा। हाँ, ये डायरेक्ट डॉक्टर की टीम ने और डार्क टीम ने मिलकर इसकी ये कोडिंग की है, कोडिंग किए हैं, और RFFE की लाइन को चेक बस, और एक प्रोग्रामर से उसको रीड कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इसमें कोई जादू टोना या कुछ हाई या रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा चीज ये कि इंडिया में किसी भी बंदे ने अगर ये कहता है कि ये उसने बनाया है, तो भैया वो आपको चीट कर रहा है। बिल्कुल, और दूसरा ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्रामर फ्री डले हुए हैं, अभी आप कहीं से भी आप इसकी लिंक उठा सकते हैं, बहुत सारे लोग इसकी लिंक डाल चुके हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि ये काफी एक अच्छी चीज है, मानता हूं कि आप इससे ये चेक कर सकते हो कि आप के RFFE के सारे नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, किस बैंड में RFFE का नेटवर्क नहीं आ रहा है। बट आपको समझना पड़ेगा, आप सोचोगे कि आप लगाओगे, चेक करोगे, कोई भी नंबर आएगा, नंबरों से नहीं होता है, यहाँ कोडिंग है, कोड है, यहाँ पे ये नहीं लिखा देगा कि 4G। हमने तो हर कोडिंग को यहाँ पर नोट कर लिया है, और पूरी तरीके से
हमारा हम 2-3 दिनों से हम काम कर रहे हैं इस पर, बट हुआ नहीं बना रहे, ना ही इसको हुआ बनाओ। हाँ, एसर टेलीकॉम पहले ही कह रहा है कि जो चीज आप काम कर रहे हैं, जो चीज आप जिसको हुआ बना रहे हैं, वो आप उसको फ्रेशर्स को या किसी ऐसे लोगों को दिखा के हुआ मत बनाओ भैया, वो सबको नॉलेज है। बिल्कुल, या हर एक तीसरे आदमी को पता है कि बाहर से या इंडिया में क्या आ रहा है। बिल्कुल, ये क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या सीन है, और इसको ऐसा नहीं है कि मोहन में लगा देंगे और नेटवर्क मेरा सही है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ। कि अगर मैं 3 जम्पर मारा और मेरा नेटवर्क सही हो जाएगा, ये हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर आप नोटिस करो कि ये सिर्फ इतना सा डिवाइस है, और ये देखिए जम्पर लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ मारा, किधर मारा जम्पर, तो भैया नॉलेज तो आप कहीं हाँ किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एक अच्छा टेक्नीशियन आपको बता दे। बिल्कुल, पर सिर्फ ये 3 जम्पर से आप नेटवर्क बना, आप ये हाँ इतना है कि कंफर्मेशन कर सकते हैं, बट मैं फिर भी कहूंगा सही नॉलेज, एक सही इंस्टीट्यूट, एक सही टेक्निकल, एक टीम दे सकती है, और अगर आप इसे टेलीकॉम को ज्वाइन करेंगे तो ही मिल पाएगी। बाकी ये बताने के लिए सिर्फ ये नहीं किया था प्रमोशन कि आप हमारे पास आइए, आप बिल्कुल मत आइए, बस इतना प्रमोशन तो करना है कि ये चीज हमको पता है और ये हुआ नहीं है, हुआ नहीं है और बनाए भी ना इसको हुआ। और ये कोई अगर इसका वीडियो बनाता है वर्ल्ड फर्स्ट फलाना दिखाना, तो दिमका तो हमारा ये है ना 10 दिन पहले ही आ जाता। बिल्कुल 10 दिन पहले ही आ जाता और हम इसको डाल चुके होते हैं। वो तो क्या हुआ, ये जो ऑर्डर, ये ऑर्डर करने में ये है ना अमेजोन से खरीदा है, इसको ऑर्डर करने में हमको 4-5 दिन तो ऑर्डर करने में लगे, आने में आया। हाँ, 5 दिन तो अभी एक ऑर्डर आपने भी किया हुआ है, लाइन पे है, तो ये ऑर्डर करने में लग गए। तो हम तो अगर कोई ऐसा होता भी, हम तो पहले से बता रहे हैं इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना फैला दो। इसलिए फैलाओ क्योंकि ये हवा नहीं है, इतना ये निकाल देना, निकाल दो, इतना फैलाओ, नोटिस करो। हाँ चलो कोई नहीं, अभी तो अपना हो गया ना काम, क्या इसको तुम ले जाओ, समझ रहे हो। देखो कि ये डिवाइस कोई हवा नहीं है, एक दिखा देते हैं, खुलना जरा, एक मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, क्या दिखाने का, ये फ्लिपकार्ट अमेजोन जहाँ से परचेस किया हूँ। ये गूगल में जाइए आप, यहाँ पे लिख दीजिए आप ESP32, ESP32 के नाम से भी आता है, ESP32 देखो, और ये तो वही आ गया, वाईफाई ब्लूटूथ MCU मॉड्यूल, जैसे यहाँ पे अमेजोन में है तो अलग अलग पिनों से अलग अलग आता है। ये देखो, ये ले सकते हैं, ये 500 रूपये का है, 500 रूपये का है, 3 जम्पर मारना है। ये देखो, दिखाओ फोटो, दिखाओ जरा ये हाँ, अब ये जम्पर मारना है, इसको पता करते रहना, पर हम बता देंगे अगर आप चाहो तो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ मार भी दो, बता भी दो, जम्पर 3 बता दो। हाँ, इसमें जो है क्लॉक और डाटा और VIO की लाइन जो 1.8, बस जम्पर RFFP क्लॉक, RFFP डाटा, और आपको पता ही होगा कि RFFP कॉलकॉम में RFFP है और MediaTek में MIPI है, MIPI और MIPI की लाइन अलग 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 है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कर दो, जितने लोगों को पता चलेगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फ्री में, फोकट में पूरा इस वीडियो के अंदर, तो कैसे ये काम करता है, क्या करता है, इसे टेलीकॉम पहले ही बता दे रहा है। सो आइए इसका लाइव डेमो देखिए, मिलन सर दिखाइए लाइव डेमो, पूरा दिखा देते हैं। तो देखिए हम अभी कौन से सेट में कर रहे हैं इसका लाइव डेमो, 9A है, और ये फोन ऑन है कि ऑफ है, ऑन है। इसमें सिम लगी है कि नहीं लगी है, नहीं लगी है, तो इसमें आप पहले ये देख लीजिए, ये मॉड्यूल है, ये 3 जम्पर निकाले हुए हैं। अभी हमने कौन सा बैंड चेक कर रहे हैं, आप कौन सा बैंड में है, RFFE हाई बैंड चेक, तो ये देखो ये आप हम हाई बैंड में चेक कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि जो लोग अभी भी 5A में काम कर रहे हैं, जो टीचर अभी भी 5A वाले हैं, जो तो ये समझो कि वो उनका कितना नल्ला एक ज्ञान है। अपडेट एसर टेलीकॉम, इससे ये तो बहुत पहले ही पता चल चुका था, पर हम इस सारी चीजों का हुआ बना के अपना वो नहीं करते पर्पस। मैं फिर से कह रहा हूँ इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना फैलाओ और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। अगर तुम छुपाओगे इस वीडियो को तो तुम मतलब एक क्या ही बोलो सो कॉल्ड टेक्नीशियन हो, तो मतलब टेक्नीशियन को एक चीज क्या लगती है, मतलब टेक्नीशियन को ये लगता है कि जैसे जो चीज उनको पता है वो सिर्फ उनको पता है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। टेक्नीशियन को एक चीज क्या लगती है कि जो चीज तुमको पता है वो हमको कभी पता ही नहीं चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। नेटवर्क चेक करने का
तरीका है EPESP32 और ये DevKit V1 यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये नंबर्स देख रहे हैं आप, GPIO ये इसके नंबर्स है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जो जो जम्पर लग रहा है, ये जम्पर कहाँ है, तो ये जम्पर HDSCL की लाइन पे लग रहा है। जो लाइन आप देखो यहाँ पर, ये SCL लाइन है और यहाँ पर देखिए ये SDA लाइन है, तो ये 21 और 22 और यहाँ पर एक VIO लाइन 13 उठाई है, यहाँ पर 13 ये VIO लाइन है और ग्राउंड यहां से उठाया है। सो ये तीन जम्पर लिए हमने। अभय राजपूत भाई इसको फैलाओ, इसको शेयर करो, और जो भी दे रहे हैं XK और जो भी देख रहे हैं यहाँ पर, जितने लोग भी देख रहे हैं वो सारे लोग इसको शेयर जरूर करना अपने चैनल पे, अपने फेसबुक में, मुझे सबको शेयर चाहिए, इस वीडियो को फैलाओ ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों पर पहुंचे और नॉलेज पहुंचे कि इस टूल को बेचकर इस टूल को कोई पैसा ना कमाए जबरदस्ती का, है फ्री फोर कट कर कोई पैसा काम ना कमाए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस टूल को डब्बे में डाल डाल के बेच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं क्या है? क्योंकि दोस्तों RFFE को चेक करने के लिए ये जो डेवलपर ने टूल बनाया है, ये मेहनत इनकी है, ये आई डॉटर, और इसके अंदर पूरा सॉफ्टवेयर आता है। ये देखो ये फाइल आती है, ये फाइल देखो फ्लैश फाइल, ISO, RFFE मैप, स्कैनर। तो पहले तो इसको है ना टूल को फ्लैश करके, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो टूल हो ना ये ब्लैंक आता है, पहले इसको फ्लैश करना होता है। और ये भी कोई हुआ नहीं है, अगर तुम 9th के अच्छे वाले स्टूडेंट हो तो तुम ये खुद बना रहे होगे। तो बताइए आपने कर दिया? मैंने जम्पर लगा लिया। हाँ तो अभी अब आप देखो जम्पर लगाने के बाद हम जब इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें पोर्ट बनता है, अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है, अब हम पोर्ट बनाएंगे। चालू कर लेते हैं, पहले हम फोन चालू करते हैं, हमने जम्पर लगा लिया है टूल के साथ। भाई शेयर करते जाना इस वीडियो को जितना हो सके, अपने तक मत रखना, मैं चाहता हूँ ये नॉलेज, ये कोई प्रमोशन नहीं है, डोंट कम टू एसर टेलीकॉम, भाई हम तो क्वालिटी पीपल को लेते हैं। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को फैला दो, जितने टीचरों के पास जाएंगे अच्छा उनको नॉलेज मिलेगा और वो नॉलेज के साथ वीडियो बनाएंगे। अभी मैं अपनी लैब में बैठा हूँ, ठीक है, जहां मैं अपने वीडियो बनाता हूँ। कनेक्ट कर दिया, अब मैं इससे जुड़े सवाल भी मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, अभी मैं आप सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे कोड आया, ये देखो पहले इसमें आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, जी जी जी, और USB 5 वोल्ट का इनपुट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और फोन ऑन कंडीशन में विदाउट सेम। अभी क्या करने का, कंपोर्ट ओपन, मतलब पोर्ट बनाना है, बिल्कुल, और पोर्ट जैसा नॉर्मल तो टूल चलाते है वैसे ही है। और इसके बाद ऐसे आ जाएगा और स्कैन करना है, अब स्कैन में हो सकता है एक बार ना आए तो आप, मतलब दो तीन बार आए, जैसे ये आ गया है हमारा, ये देखो ये हमारा कोडिंग आ गया है। अब ये देखो ये जो कोडिंग आ रहा है 01 है, मतलब जीरो का मतलब नहीं है, नहीं है, 1 का मतलब है, तो यहाँ पर देखो 1 आ रहा है। अब ये 0YF क्या होता है, तो ये भी हम कोडिंग बता सकते हैं, बट अभी इतना तो फिलहाल आप खुद ढूंढो, बिल्कुल, कुछ तो F मतलब क्या है, D मतलब क्या है? अपनी मेहनत तो खुद तो करो कुछ, बिल्कुल। तो ये फ्री है, फ्री है ये अभी के लिए फ्री है। अच्छा अगर किसी को वो चाहिए तो अपन भी डाल सकते हैं, पर यार डालेंगे वालेंगे नहीं, बिल्कुल है? अभी तो डालेंगे नहीं, अभी डालेंगे हम, अभी इसके ऊपर जितने भी रिसर्च किए हैं इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी बनाने वाले हैं। अच्छा अभी मलिक सर के थ्रू या किसी भी के थ्रू, अगर मान लो अगर कोई और अच्छा कोडिंग बनाते हैं तो वो करके, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ हम आए, अपने खुद का मेहनत लेके, हर एक CPU का कोड क्या है, हर एक CPU का अलग अलग कोडिंग है, सही बात है, जैसे SDM का है 439 जैसे तुमने बोला, SDM अब उसमें SDM में अलग अलग आ रहे हैं, SDM 660 आ रहे हैं, 660 आ रहा है, तो उसमें अलग कोडिंग हो गया है, तो ये सारी चीज़, जैसे अपने कॉलकम में चेक किया तो कॉलकम में क्या आ रहे हैं, कॉलकम में MSM 8953 अलग है, और एक अपन ने चेक किया था MSM का कौन सा, SDM अपन ने ऐसे में एक ही चेक किया, ये चेक किया, और मीडिया टेक में अभी अपन ने जो किया है वो 6562 है, मेरे ख्याल से 62 है ये, और जाइनॉक्स अभी चेक किया है, बट एक दो फोन के हिसाब से सही चेकिंग नहीं हो पाई है, A50 में तो दिस नॉट वर्किंग अभी तक, तो लगाकर सिम भी लगा लिया, सब ट्राई कर लिया, अच्छा अभी देखेंगे, अभी दूसरे एक जाइनॉक्स एप में करेंगे। अच्छा तो क्या कहना चाहते हो मिलन,
ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर किसी को देख रहे हैं आप यूट्यूब में या इसमें, किसी को किसी से परचेस ना करें ये पैसा देके। बस 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 किसी को परचेस ना करें, परचेस ना करें ताकि आप वो मतलब धोखे में ना आए। और कल को ये भी बोल रहे हैं कि कोई अगर यूट्यूब में डालता है कि देखो भाई साहब से मुझे ही पता है, हम तो बहुत एडवांस है, बाकी तो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट वाले सब नल्ले हैं। बाकी दूसरी चीज ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने लगा दिया और मेरा नेटवर्क खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है पूरा। भाई रशीद खान शेयर करो इस वीडियो को, मैं सब बताऊंगा तुम्हें। सागर बगदास सर नमस्ते, जल्दी सीखने वाला हूँ। हाँ भाई नेपाल शेयर करो वीडियो को, जितने लोग भी देख रहे हैं 17 के 17 शेयर होने चाहिए भाई, शेयरिंग करो वीडियो को, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉलेजेबल है, फ्री दे रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि लिंक विंक फलाना दिखाना डिमका, ठीक है, उसको शेयर करो। और यहाँ पर देखो अभय राजपूत हमारा स्टूडेंट है, आप देखो उसमें कमेंट कर रहे हैं, आप चाहो तो उसको कॉल लगाओ, पूछो कि कैसा है इसे टेलीकॉम, अभय बताएगा आपको कैसा है इस पर। चलिए ठीक है, और अगर चलो अब हम लाइव आए तो कुछ और बातें कर लेते हैं। तो एमएमसी में अभी क्या है नया है? अभी एमएमसी में अभी एक जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं हमारे एसए टेलीकॉम के चैनल में, जो नोट 9 मार्लिन जिसको बोलते हैं, नोट 9 जिसमें डबल सिक्योरिटी का बहुत मसला होता है। अच्छा जिसमें डबल सिक्योरिटी का बहुत सारा मसला होता है, जिसमें ये होता है कि अब फ्लैश भी कर देते हो तो आईएमई चला जाता है। अच्छा, और उसके आईएमई बनाने के टाइम पे आपका फोन रिस्टार्ट होने लगता है, और हम आपको सोल्यूशन देंगे कि किस तरीके से उस रिस्टार्ट को बंद करना है आपको, और किस तरीके से डबल आईएमई नाला है, और किस तरीके से हम इसका एमएमसी चेंज कर पाएंगे। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें अपने सीपीयू चेंज करने या एमएमसी चेंज करने ना, अपन तो कहते ना आईएमई बदलने, आईएमई रिपेयर करने के लिए अपन को बोर्ड आईडी के रजिस्टर हटाने पड़ते हैं, तो अभी मार्केट में यही हल्ला है बोर्ड आईडी के रजिस्टर हटाना है, तो क्या सबसे हटाने से ही हो जाएगा क्या? सर बोर्ड आईडी रजिस्टर को समझना है वो क्या काम कर रही बात है, तो ये चीज तो खैर हाइड है और ये चीज तो हम बताएंगे नहीं, बट ये बता दो कि सारे फोनों में क्या रजिस्टर हटाने से फोनों में रजिस्टर हटाने में काम नहीं चलता है, किसी में वैल्यू कम करना पड़ता है, किसी में ज्यादा करना पड़ता है, अब उसको डिपेंड करेगा उसके ऊपर वोल्टेज के ऊपर, उसको आपको ज्ञान लेना होगा डायग्राम का, डायग्राम में कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना वोल्टेज क्रिएट करना है, क्या करना है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे आने के बाद पता चलेगा। अच्छा तो और इस बार इस बैच में एमएमसी में क्या देने वाले हो? अगर जैसे ये देखो ये बच्चे कह रहे हैं, ये कोई ये कह रहा है कि ये जल्दी सागर आने वाला है, इसमें रशीद खान है झारखंड से, हालांकि हो सकता है वो भी आ जाए, और भी जो जो बच्चे देख रहे हैं अगर वो एसए टेलीकॉम आते हैं तो क्या पढ़ेंगे, अब तुमसे क्या पढ़ेंगे? मेरे से ईएमएमसी में ए से लेके जेड तक, अच्छा, मतलब कोई भी फोन हुआ आप ईएमएमसी में एक्सपर्ट बन जाएंगे पूरी तरीके से। किसी भी फोन का ईएमएमसी चेंज करना हुआ, अपग्रेड करना हुआ, डाउनग्रेड करना हुआ, या तो फिर सिक्योरिटी रिपेयर करना हुआ, या कोई फोन फ्लैशिंग में फेल्ड हुआ या रिस्टार्ट, या आपके पास कोई फोन आया फ्लैशिंग करने के बाद बंद हो गया, ये सारी चीज जो है ना आपके लिए ऐसा हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा जो सोच नहीं सकते। चलो अभी काम करते हैं, लास्ट मेरे जो टूल शुरू हो रहा है एक्सप्लेन कर दो, कौन से टूल क्या काम करते हैं, कर दोगे? चलो इस बार मिलन सर को हम दे रहा हूँ चांस जो टू एक्सप्लेन दी टूल। चलो इस टेबल में क्या, उस टेबल में क्या, एक एक करके टूल पे हार करके एक्सप्लेन करो सर, ये काई के लिए है? ये माइक्रोस्कोप हो गया, थ्रीडी मॉडल है, ये थोड़ा आंख में प्रेशर नहीं डालता है। ये मॉडल नंबर देख लो भैया, ये मेरा मॉडल नंबर है MT650। बात ये मलिक सर से परचेस किया है, यहाँ पर एक हर चीज ट्विजर से लेकर डीएसओ तक सब मलिक का है, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे जो, अच्छा एक देवराज पूछ रहा है सर यूएफएस के बारे में बताओ कुछ, यूएफएस के बारे में सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे ये बताओ भाई। देखिए आप डिफेंड करता है आप ईएमएमसी के ऊपर कितना काम करते हैं, ईएमएमसी के ऊपर आप क्या काम करते हैं, ईएमएमसी आपको कितना समझ है, अगर आप ईएमएमसी समझ है तो आप आइए यूएफएस पूरी तरीके से आपको सिखाएंगे। हम यूएफएस प्रोग्रामिंग फिट भी करवाएंगे, बिल्कुल यूएफएस चेंज भी करवाएंगे, चेंज भी करवाएंगे, है ना। अब जैसे आप अगर एमएमसी में यूएफएस में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आपको पता चल रहा होगा, आप अभी जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है ओटीपी अनलॉक कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या करना है। हाँ चलिए अब हम बात करेंगे
तो और क्या क्या है टूल जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये 3D मॉडल वाला स्क्रू ड्राइवर है, थोड़ा कॉस्टली आता है। ये इसका नॉब जो है ये जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है, सही, वो घिस जाते हैं उनके ना, खराब नहीं होते। बाकी हम जो क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं ये थिनर, ये ड्यूको की थिनर यूज करते हैं, सबसे बढ़िया रहता है, बेस्ट, ठीक है। और हमारे पास ये दो तीन तरह का, जैसे 4 नंबर की ब्लेड, ये रैम उठाने के लिए भी काम आता है, हम PPT लगाने के लिए भी यूज, बहुत सारे यूज है इसके। जैसे ये रहा एक तरीके से स्क्रैपर, इससे भी हम IC वगैरह खोलते हैं, और ये भी एक तरह का स्क्रैपर, हम बहुत सारे स्क्रैपर टाइप। और स्क्रैपर क्या होता है? स्क्रैपर तो आप एक ब्लेड को छील के भी बना सकते हैं, पर वो जुगाड़ ही है। और एक जो ये चीज है ये परमानेंटली वही काम के लिए बना है, तो ये इसका डिजाइन इसका जो हीटिंग कैपेसिटी ये सारी चीज उसी के हिसाब से है। सही है। और तो मैं और एक स्क्रैपर दिखाना चाहूंगा, जैसे ये ग्लू कटिंग करने की स्क्रैपर है, जीरो जीरो सेवन यूज करते हैं, ठीक है। और क्या है? और जैसे हमारा ये कटर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, इसको इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर, राइट, काफी अच्छा है ये भी, कॉस्टली है, 2000 तक पड़ता है, और ये अभी तक मेरा खराब, अच्छा आज बस इसको क्या है, चार्ज करो खाली, और वो भी चार्ज ऐसा नहीं हर समय, ये देखो ये काफी अच्छा है। ये हमारा PCB 360 है, इसको रख के आप बोर्ड को, अच्छा बहुत मजा आता है इसको काम करने में, 360 है ये भी, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और इसके अलावा मल्टीमीटर बताओ, ये भी एक स्क्रैपर है। रोजिन बताइए, रोजिन हम रिलीफ का यूज करते हैं और ये सबसे बेस्ट होता है। PPD बताओ, PPD रिलीफ का या मैकेनिक का हम यूज करते हैं 138 और 183 और 138 दोनों करते हैं। और एक डी शोल्डर वायर बताओ, वो काफी अच्छा है, डी शोल्डर वायर शायद आप देखे होंगे कहीं, नहीं ये क्या है कि 10 डी शोल्डर वायर के समान एक काम करता है सब, इन मतलब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डी शोल्डर है, इससे बेस्ट कोई नहीं है। सही है, इसका एक यूज करेंगे ना तो जो, और बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा, जो आपकी नॉर्मल यूज करते हैं उसका 10, वो पीछे रखा डब्बा सबसे कोने में उन्हीं नीचे, हाँ देखो वहाँ पे हम डब्बा निकाल रहे हैं, ये है देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, यहाँ पर ये सबसे बेस्ट है। और ये मलिक सर ने मेरे को रेफर, मतलब इसको वो बोला था, रेफर किया था कि सर ये यूज करो एक बार, और मैं एक साल से यही यूज कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाएं, जब दिखा रहे हैं, हाँ तो ये मैकेनिक का भी, ये भी PPD यूज करते हैं, लेकिन मार्केट में इसका डुप्लीकेट भी आ चुका है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको खरीदने से पहले एक बार डुप्लीकेट ही कि सही है, किसी भी बंदे से खरीदे तो ट्रस्टेड पर्सन से खरीदे। अच्छा, दूसरी चीज थर्मल पैड यूज करते हैं, थर्मल पैड, हाँ ये बहुत काम का चीज है, एक IC खोलने के टाइम पे दूसरा IC में हीट ना लगे, 2UUL का थर्मल पैड यूज करते हैं। रोजिन दिखाओ, रोजिन का क्वालिटी भी दिखाओ, रोजिन क्वालिटी सर ये रिलीफ का है, बेस्ट क्वालिटी है सबसे, देखो आप कितना बेस्ट क्वालिटी है रोजिन, फिर ठीक है। अब मल्टीमीटर दिखाओ, मल्टीमीटर में ये यूनिट का यूज करते हैं, यूनिट का मल्टीमीटर, ये देखो मल्टीमीटर देखो, यूनिटी और ई प्लस का मॉडल है, UT61E प्लस, कॉस्ट 10,000 हाँ 10,500 का ये मल्टीमीटर है, और काफी अच्छा है, और ये मल्टीमीटर से आप स्क्रीन में वो भी बना सकते हैं, कैसे बन के आता है ये भी दिखाते हैं, जरा ऑन करना दिखाते हैं, ये देखो कंप्यूटर ऑन कीजिए, यहाँ पर ये इसका टूल ओपन कीजिए, देखो इस मल्टीमीटर का स्क्रीन कैसे बनेगा, तो इसका टूल यहाँ पर ये दिया हुआ है स्क्रीन, ये अभी ये हो गया, अब यहाँ पर बस को कनेक्ट करना है वन टाइम, ये अब बस कनेक्ट किया, ये हो गया, अब देखो अब वहां से जैसे इसको आप मोड चेंज करोगे, तो ये मोड, ये देखो मोड चेंज होता जाएगा, नोटिस करो दिख रहा है यहाँ पर, तो ये टूल है, अब जैसे कोई भी रीडिंग यहाँ पे आएगा तो भी वहाँ पे भी, जैसे मान लो कोई भी एक कंपोनेंट का टेस्ट, हाँ जैसे BP ले लो, ये देखो सेम रीडिंग आ रहा है, सेम रीडिंग आ रहा है, हाँ तो ये फायदेमंद की चीज है, काफी अच्छी है। अब और इसके बाद टूल बताओ, उसके बाद हम जो SMD यूज करते हैं, दो SMD यूज करते हैं, दिखाओ दो SMD यूज करते हैं, एक क्विक का 861 प्राइस भी बता, ये हमने लगभग 15,000 के आसपास, 14-15,000
और एक यूज करते हैं हम लोग 857 DW प्लस ये 5000-6000 के आसपास है। ये दो SMD यूज करते हैं। कोराट DC सबसे बेस्ट $4000 के आसपास आ जाएगा। कोराट सबसे बेस्ट है क्यों? बेस्ट क्योंकि मैंने देखा है सुगुन में ना ऑन ऑफ का बटन नहीं है, ऑन ऑफ का बटन नहीं है और थोड़ा प्रॉब्लम है, जल्दी खराब होती है, जल्दी खराब होती है। ठीक है, दूसरी सिमेटिक पोर्ट चार्जिंग के लिए, ये भी बहुत अच्छा है, 6 वाला, छह वाला ज्यादा 8-10 वाला खराब हो जाता है, खराब हो जाता है, ये सही है। और ऊपर वो सबसे बाप, ये है DSO अपना सबसे नया वाला DSO है, ये है प्लस वाला मॉडल है, प्लस मॉडल है, बड़ी स्क्रीन के साथ है और सब कुछ इसमें पहले से प्रीफिक्स है, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, वन टाइम ऑटो दबाना है, ऑटो दबाना है। जैसे इसमें 1 kHz की फ्रीक्वेंसी लाओ, जैसे मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ला के दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लो जैसे ये टेस्टर ही बता रहे कि आप आपने लगाया यहाँ पे सिर्फ ऑटो वाला पैटर्न प्लेस कर देना, बस ये अपना हो गया। और नीचे देखो वैल्यू दिखाई दे रही होगी, पीरियड में वैल्यू देखो 1 kHz, ये इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, कोई भी लाइन चेक करना हो, क्लॉक फ्रीक्वेंसी वगैरह, डाटा की लाइन। और इससे कोने में रखा हुआ है तो फॉग निकालने वाला, ये फॉग का ये है हमारा स्मोक रिमूवर, मतलब जो धुआं आप लेते हैं ये प्यूरीफाई कर देता है पूरा, ठीक है, प्यूरीफाई कर देते हैं। ये है ये सर का फोटो, किसी स्टूडेंट ने ड्राइंग खुद के हाथों से करके गिफ्ट दिए हैं। वो मैं बता रहा हूँ विकास सब इंस्पेक्टर है। जी 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 जी। और अपना यूट्यूब वो देखा प्ले बटन, ठीक है, ये है हमारा यूट्यूब का प्ले बटन। अब और एक चीज दिखाता हूँ, USB हब बहुत बढ़िया है, ये तो गिफ्ट में मिला था। जी जी, बहुत बढ़िया है, मतलब ये सारे पोर्ट वर्किंग करता है तो भी हैंग नहीं करता, वो भी नहीं, क्योंकि इसमें ना डायरेक्ट, रीजन क्या है, डायरेक्ट 5 वोल्ट की सप्लाई दिया गया, मतलब ये सिर्फ एक से नहीं चल रहा, ये आप नोटिस करो, ये डायरेक्ट आपके इससे चल रहा है, मतलब इसको डायरेक्ट पहले वोल्टेज दे रहे हैं तो हर एक पर पर्टिकुलर उतना वोल्टेज जा रहा है। अभी क्या, आप सिर्फ एक एक USB से अगर इसको चलाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे ना, तो वो क्या होगा, छोड़ेगा पकड़ेगा पकड़ेगा, ये होगा। और एक ये पीछे हमने लिया था मैकेनिकल होल्डर, टूल होल्डर, इसमें सारा टूल स्टेंसिल वगैरह, हमारे जो स्टूडेंट को मल्टीमीटर बताते हैं वो भी दिखा दो। ये हमारे सारे स्टूडेंट के पास ये मल्टीमीटर होता है, DT19N सारे स्टूडेंट के पास ये मल्टीमीटर होता है। हाँ, और दोस्तों सबसे अच्छी ये आयरन है, JBC का आयरन, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आयरन, सबसे महंगा है थोड़ा सा, लेकिन एक नंबर की आयरन है, इससे काम करेंगे तो आप। कितने साल हो गए इसको? मेरे का 3 साल से ऊपर हो गया, 3.5 साल हो गया, बस BT चेंज किया है, BT चेंज हुआ है, बस BT चेंज हुआ है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको रिपेयरिंग में लगता है वो है PCB, अब स्क्रैप बोर्ड देखेंगे तो ये देखिए, मिलन ने कल एक बात कही थी, दिल्ली में भी स्क्रैप बोर्ड इतना नहीं होगा जितना हमारे पास यहाँ पे स्टॉक में है, आप सोच नहीं सकते हैं कितना स्क्रैप बोर्ड है यहाँ पे, ये स्क्रैप बोर्ड, और यहाँ भी रखा हुआ है, ये तो छोटा सा झलक है, बाकी काम करने वालों के लिए यही तो चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल, क्योंकि बिना स्क्रैप बोर्ड के आप काम नहीं कर सकते हैं। और जैसे ये पन्नी में पूरा का पूरा आप काम, ये इसको बोलते हैं माल, ये देखेंगे, ये फ्रेश बोर्ड है, बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, सारे रीस्टार्ट वाले M20 ये सारे बोर्ड है। जैसे मैं आपको एक निकाल के, सर एक निकाल के दिखाइए, जैसे ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है A50S 464, ठीक है, और ये लिखा हुआ है, ये सारे रीस्टार्ट कंडीशन में, देखो बोर्ड बिल्कुल फ्रेश बोर्ड, बिल्कुल। तो ये क्यों है, ये हमारे स्वैपिंग वैपिंग करने के लिए, और अगर हमारे पास जो बैकअप वाले स्टूडेंट है अगर वो आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास बोर्ड नहीं है, तो हम उनको ये बोर्ड उपलब्ध करा देते हैं बहुत ही कम दाम में, वो सोच नहीं सकते। ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट, ये बेचने के लिए नहीं है, तो हमारे मैसेज मत करना कि सर हमें बेचो, ये हमारे पर्सनल यूज के लिए, ये पर्सनल यूज के हैं। तो ये, और उसके अलावा भी दिखाते हैं यहाँ पर, ये दिखाइए, ये स्क्रैप, ये भी स्क्रैप है, यहाँ पे देखिए ये भी स्क्रैप है, ये स्क्रैप दोस्तों, इस बिना स्क्रैप के काम नहीं होता, ये हमारे स्टूडेंट के सारे फोन है, ये आज जैसे आया है नेटवर्क सेक्शन के, ये देखो ये स्क्रैप है, यहाँ पर मल्टीमीटर देखो कितने हैं जो यूज कर चुके हैं, मतलब इसके अलावा भी
ये DSO वाला मल्टीमीटर है सनशाइन का, ये है आपकी ब्लूटूथ वाला, ये सनशाइन का डी, हाँ, ये वाला मल्टीमीटर है, ये फ्लूक की मल्टीमीटर है, और ये जबरदस्त नल्ला सुपारा ये UFS है, UFS बाकी मिलन सर के पास तो हर एक गैजेट है। बिल्कुल मेरे पास तो हर क्या एक क्या है एक बार बताओ आपके पास। मेरे पास EasyJTEC का फुल सेटअप, मेरे पास UFI का फुल सेटअप है, मेरे पास मिफी टेस्टर की फुल सेटअप है, मेरे पास मेडुसा का फुल सेटअप है, मेरे पास रिप की फुल सेटअप है। मतलब ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी टूल है तो सारे अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल मतलब बेचने के लिए नहीं, हमारे काम करने के लिए, ताकि हर एक चीज में हम काम करें और स्टूडेंट को रिजल्ट बताए कि ये टूल अच्छा है, ये टूल अच्छा है, ये टूल में ये अपडेट आया, ये टूल में ये अपडेट आया, ये टूल ये कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, ये सारा चीज हम करते हैं। तो इस तरह का ये सेटअप है यहाँ पे दो, ये देखो ये अलग से परचेस किया हुआ है क्योंकि इसमें ये ऐसा आता नहीं है स्टैंड, है ना, ये तो ये कुछ इस तरह का सेटअप है मेरा, मैं दिखा देता हूँ पैनल है। ये भी मलिक, हाँ पैनल भी दिखा दो, ओपन कर लो। और भैया पैनल परचेस करना है तो मलिक सर को कांटेक्ट करो, उनसे अच्छा पैनल आपको कोई नहीं बेच सकता है, ठीक है, सबसे लेटेस्ट हाईटेक और लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट, इससे लेटेस्ट अभी तक पैनल नहीं है। हाँ ये बेंचमार्क की आपको ब्रांडिंग है सबसे, और बहुत पतला सा पैनल है, ये देखो एकदम टीवी है, ये पैनल नहीं है, इसमें पूरा कंप्लीट रिमोट के साथ आता है, फायर स्टिक लगा के रखा हुआ है, कभी कुछ मैच वैच देखना हुआ तो वो भी देख लेते हैं। तो जैसे अभी तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर एंड्रॉइड पहले सिस्टम इसमें दिख जाएगा, ये देखो ये सबसे लेटेस्ट है, इसके लेटेस्ट इसके अलावा कोई लेटेस्ट, हाँ तो इसको हम टिक करेंगे, ये एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड 11 यहाँ पर काफी, और इस तरह की कुछ लाइटिंग की हुई है, ये देखो एक ऊपर दो इधर एक नीचे यहाँ पर, और इसमें अगर मैच चलाना हो तो मैच भी चल जाता है, जैसे देखो ये रिमोट के साथ, बड़े टीवी का मजा लेना है तो बड़े टीवी का मजा भी ले सकते हैं, ये तो बिल्कुल फुल क्वालिटी के साथ में इसमें सारी चीज चलती है, क्वालिटी के साथ कोई वो नहीं, तो ये काफी अच्छी चीज है इसमें, और इसमें फिर वो टीवी वाला टीवी जैसा फील भी आता है रिमोट का, मतलब जैसे अपन टीवी में चलाते हैं ना बिल्कुल, यहाँ पर। खैर बात करते हैं रिपेयरिंग की, तो दोस्तों अब बताओ अगर माइक्रोस्कोप नहीं है, UFI नहीं है तो क्या काम करेगा आदमी? कोई नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, सबसे पहले तो टूल होना बहुत जरूरी है किसी भी टेक्नीशियन के लिए, मस्ट बी टूल होना बहुत जरूरी है। हाँ तो टूल नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, साथ में नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया सर्दी बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, अभी ऐसा है कि ये वीडियो, खैर ये सब बताने के लिए नहीं था, ये वीडियो था खास तौर पे ये सेटअप के लिए, RFFE टूल के लिए, ये ESP32, ठीक है, और तो मैंने आपको इस वीडियो की कंप्लीट जानकारी दी है और फ्री फोकट में, बिल्कुल फ्री फोकट में, कि कहाँ क्या आए थे किसी और के लिए, कर कुछ और गए और ये तो मतलब आप इसको प्लीज जितना हो सकता उतना शेयर करो वीडियो को, क्योंकि आपके शेयर से जितने लोगों तक ये फ्री का चीज पहुंचेगी उतना लोगों को फायदा मिलेगा। आप भले ही उसमें शेयरिंग में लिख दो कि ऐसे लिखो मत ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस फ्री चीज को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल हमारे को, हमारे वैसे ही हमारे 1,09,000 फॉलोअर्स है यार, बहुत है, इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट के इतने फॉलोअर्स नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और बातें करने के लिए, और आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा हमसे बात करने में, और हम लाइव आए नेक्स्ट कि नहीं आए, आपको कितने सुझाव दीजिए, और कमेंट पे आप जितना हो सकता है उतना बोलते जाइए। ठंड बहुत से अब है, तो आपको अगर यहाँ पे किसी से भी अगर बात करनी है, कोई मेरे स्टूडेंट, तो यहाँ पे अभय राजपूत है, आप चाहे तो उसकी प्रोफाइल में जा सकते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच।